दोस्तों, पहले के जमाने में सफर करने के लिए इतना उन्नत परिवहन नहीं था जितना आज के समय में है। अगर अभी हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम ट्रेन, एयरप्लेन या नाव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। पहले जब किसी को सफर करना होता था तब या तो पैदल या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब किसी को कहीं दूर जगह जाना होता था जहां बीच में नदी या समुद्र आ जाता था तो उनके लिए उसको पार करना बड़ा मुश्किल होता था और इसी समस्या से निपटने के लिए नाव बनाई गई। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जो नाव या पानी का जहाज आप देखते हैं ना, वो अचानक से तो नहीं बने होंगे। जरूर उनमें समय समय पर सुधार करके आज के समय का आधुनिक पानी का जहाज बनाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर नाव का आविष्कार कैसे हुआ था और कब किया गया था और आधुनिक यानी मोटर बोट बनाने वाला पहला इंसान कौन था। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में नाव के इतिहास के बारे में विस्तार से जानने के लिए, और वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, दुनिया में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सबके अनुसार भगवान या ईश्वर को मानने का एक अलग तरीका है। इसी तरह उनके धार्मिक ग्रंथ भी अलग अलग हैं और सभी अलग धार्मिक ग्रंथों में नाव से जुड़ी कोई ना कोई घटना जरूर है। आपको बता दें कि कई प्राचीन ग्रंथों में छपे चित्रों में बड़े बड़े जहाज अच्छी तरह चित्रित हैं, किंतु समस्या ये भी है कि नावों के चित्र यदि कहीं हैं भी तो अत्यंत साधारण रूप से बने हुए हैं, जिनसे मिलते जुलते नाव या पानी के जहाज आज के आधुनिक युग में बने ही नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु के, नूह के और यूनान के अपोलोडारिस के अनुसार दियोकलियान के नाव में चढ़कर बचने की कथाएं अनेक देशों में मिलती हैं। और भी अनेक ग्रंथों में नावों का जिक्र आया है, किंतु कहीं भी नाव के स्वरूप का वर्णन सही से नहीं है। इसलिए हम अब आगे बात करते हैं कि जब मनुष्य धरती पर अपने जीवन के लिए हर रोज नई चुनौतियों का सामना करता था तब क्या होता था। डोंगी और बेड़े। आपको बता दें कि कई पुरानी साइट्स पर ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनसे पता चला है कि ईसा मसीह के लगभग 6000 साल पहले ही छोटी नावों का आविष्कार हो गया था, जो कि कई सारी लकड़ियों को एक साथ में बांधकर चलाया जाता था। हालांकि पहले के समय में नाव का आविष्कार कैसे हुआ था, ये किसने किया था, इसका कोई तथ्य नहीं है। इसके बारे में सिर्फ इतिहासकारों की अपनी एक सोच और राय है। उनके मुताबिक पहले के समय में जब इंसानों ने इधर उधर जाने और अपना सामान ढोने के लिए नदी और नाले पार करने के लिए आरंभिक प्रयास किए होंगे, तब वे लकड़ी या हल्के तैरने लायक कोई वस्तु की कुछ मात्रा बांधकर या फिर किसी वृक्ष का तना खोलकर तथा उसे पानी में तैराकर अपने उद्देश्य में सफल हुए होंगे। इन्हीं प्रयासों को हम नाव या जहाज का मूल निहित रूप मान सकते हैं। लेकिन आज भी इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है कि तना खोलकर बनाई हुई डोंगी पहले अस्तित्व में आई या पानी पर तैरने वाले सरपत, नरकुल आदि से बना हुआ बेड़ा। आपको बता दें कि कुछ दृष्टियों से डोंगी अच्छी रही तो कुछ दृष्टियों से बेड़े, जैसे डोंगी में पानी भीतर नहीं आता था लेकिन इसमें ना तो बेड़े के बराबर क्षमता थी और ना उतना संतुलन बनाने की योग्यता। पर जो भी हो, शुरुआत में नदी और नालों को इन्हीं की मदद से पार किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक छाल की डोंगियां और भी बाद में बनी थीं और फिर इसके बाद पशुओं के चमड़े के मशकों में हवा भरकर उसके ऊपर घास फूस, लकड़ी आदि का पटरा लगाकर इनसे लोग पानी को पार करने लगे। साथ ही साथ कई जगह चमड़े का प्रयोग लकड़ी के ऊपर करके नाव का निर्माण किया जाने लगा। ये नाव के कुछ सुधरे हुए स्वरूप थे। आपको बता दें कि इतिहासकार बताते हैं कि यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बहुत दूर दूर देशों में स्थित आपस में कभी भी एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकने वाले लोगों के मन में भी नदी और नाले को पार करने के लिए एक जैसे ही विचार उत्पन्न हुए। आपको बता दें कि शुरुआत में ये बेड़े या डोंगियां अपनी गति के लिए पानी के प्रवाह पर ही निर्भर थीं, लेकिन फिर किसी ने ये खोज की कि किसी लट्ठे या चप्पू की सहायता से वो इन नावों को इच्छानुसार इधर उधर नदी की धारा के आर या पार बहाव के साथ या बहाव के उल्टे भी ले जा सकते हैं। फिर बदलते वक्त के साथ लोग नदियों, झीलों और तालाबों में मछली पकड़ने जाने लगे। फिर कई लोगों ने कभी कभी अच्छे मौसम में तट से दूर समुद्र में भी जाना आरंभ कर दिया। शुरुआत में नाव छोटी हुआ करती थी जिससे उसमें अक्सर पानी उछलकर ऊपर आ जाता था और कभी कभी ये पलट जाती थी। फिर जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, लकड़ी के तख्ते कुल्हाड़ी से काट फाड़ कर अनगढ़ रूप से बनाए जाने लगे और फिर लोगों ने लकड़ी को जोड़कर नाव बनाने की कला सीख ली। मतलब वे समय के साथ लकड़ी की बनी बड़ी नाव भी बनाने लगे। धीरे धीरे इसके सिरे कुछ गोल, कुछ कुछ नुकीले, कुछ कुछ ऊपर उठे हुए बनाए जाने लगे। यही गति और ज्यादा सामान ढोने की आवश्यकता ही नाव के इतिहास में आदिकाल से आज तक मनुष्यों को इसके आविष्कार में सुधार करने की ओर प्रेरित कर रही है।
इसके परिणाम स्वरूप समय के साथ बड़े बड़े बेड़े बनने लगे, जिससे दूर समुद्र पर यात्रा की जाने लगी। आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले सबूत। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार बड़े बड़े पानी के नाव का आविष्कार 4000 साल पहले हो गया था, क्योंकि इतिहासकारों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का दुनिया का सबसे पुराना शिप डॉक यार्ड मिला है, जो कि उस समय के लोथल साइट का है, जो कि आज के समय में गुजरात में स्थित है। आपको बता दें कि ये उस समय बना बेहद ही उन्नत इनलैंड डॉक यार्ड था। इसको हाई टाइड और समुद्र के खारी पानी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। साथ ही इसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े गेट भी लगे थे, और ये इतना बड़ा था कि इसमें 30 बड़े जहाज बड़ी आसानी से खड़े हो सकते थे। सोचने वाली बात यह है कि जब आज से 4000 साल पहले पानी के जहाजों को खड़ा करने के लिए उन्नत तकनीक से इतना बड़ा डॉक यार्ड बनाया गया, तो इसका साफ मतलब है कि इससे बहुत पहले ही बेड़ों और नावों का प्रयोग शुरू हो चुका था। फिर समय के साथ और ज्यादा तरक्की हुई, और जिसके बाद पाल यानी कपड़े से चलने वाला पानी का जहाज बनाया गया, जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े बांधकर हवा के दबाव से जहाज को चलाया जाता था, जो हवा की दिशा में चलती थी, और जब हवा की दिशा बदल जाती थी तो उन पाल को रस्सियों के द्वारा हवा की दिशा में घुमा दिया जाता था। पाल के सहारे और चप्पू के सहारे चलने वाले जहाज कई सदियों तक समुद्र और नदियों में चलते रहे, जब तक कि सन 1776 में जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार न कर दिया गया हो। आपको बता दें कि जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन बनाए जाने के बाद वाहन की दुनिया में एक नई क्रांति आ गई थी, जिस वजह से बहुत से लोग रेलगाड़ी, मोटर कार और मोटरसाइकिल जैसे वाहन को बनाने में सफल हो सके थे। अगर आप इन सभी वाहनों के आविष्कार का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको बता दें कि भाप के इंजन के बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका के रहने वाले जॉन फिच ने सन 1787 में नाव में स्टीम इंजन लगाकर नाव का आविष्कार किया। उनकी बनाई हुई ये दुनिया की पहली इंजन से चलने वाली नाव थी, जो कि 45 फीट लंबी थी, और उनकी ये पहली नाव डेलावेर नदी में जॉन फिच और उनकी डिजाइन असिस्टेंट स्टीवन पगानो द्वारा चलाई गई थी। लेकिन 1787 में जॉन फिच के नाव के आविष्कार के बाद कई लोग स्टीम इंजन लगाकर सफलतापूर्वक नाव को बनाने लगे थे, और उनका खूब प्रयोग भी किया जाने लगा था। आपको बता दें कि नौका निर्माण के लिए लकड़ी का ही प्रयोग आदिकाल से होता आया है, और इसका स्थान व्यापक रूप से कोई अन्य पदार्थ नहीं ले सका था। हालांकि आजकल नावों, जहाजों आदि में विर्मा ब्राइट की चादरें बहुत लगने लगी हैं। विर्मा ब्राइट एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, जो अत्यंत हल्की और बेहद ही मजबूत होती है और खारे पानी से प्रभावित नहीं होती। आपको बता दें कि सन 1855 में लैम्बोर्ट नाम के एक फ्रांसीसी ने प्रबलित कंक्रीट और लकड़ी की छोटी नाव बनाई थी, जिसका उसने पेटेंट भी करा लिया था, लेकिन यह नौका बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकी। इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, जहाज भी बेहतर बनने लगे। एक ऐसा दौर आया जब विशाल जहाज बनाए जाने लगे। इन जहाजों पर एक छोटा सा शहर चलता था। जहाज पर ही ऐशो आराम की हर एक चीज उपलब्ध होती थी, जिसका एक उदाहरण टाइटैनिक है, जिस पर बनी फिल्म की वजह से आज दुनिया भर में लोग इस शानदार जहाज के बारे में जानते हैं। इस तरह की विशालकाय जहाज बनने का सिलसिला 19वीं सदी के 5वें दशक से ही शुरू हो गया था। 1850 से लेकर 1900 के दरमियान ब्रिटेन के तीन बड़े जहाज अटलांटिक के आर पार के सफर का जरिया थे। आपको बता दें कि जब भाप इंजन से चलने वाली नाव बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी, तो डीजल इंजन के आविष्कार के बाद सन 1904 में डीजल इंजन से चलने वाली पहली जहाज को बना दिया गया, जो कि 125 फीट लंबी और 25 हॉर्स पावर डीजल इंजन से चलती थी। इसके बाद से लेकर अभी तक जहाज की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती गई है, और अब इतनी बढ़ गई है कि अब जहाज में घर और होटल्स भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।